देखिए 22 अप्रैल से 21 मई 2016 तक उज्जैन में सिंहस्थ महा पर्व कुंभ का आयोजन किया जाना है और जिसके लिए यहाँ जो प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं और तैयारियों का मुख्य ध्येय है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन हो, उनकी पूरी सुरक्षा हो और उनकी और जो मेला क्षेत्र है उसकी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। और इसके लिए प्रशासन द्वारा अब तक इस बार 3061 हेक्टेयर ज़मीन ली गई है। उस पूरी ज़मीन में व्यवस्थित तरीके से एक सिंगल क्षेत्र बनाया जा रहा है और इसमें इसको 6 जोन और 22 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस बार जो बजट है सिंगल्स का, गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 गुना बजट इस बार शासन ने दिया है। गत वर्ष जहां 262 करोड़ सिंहस्थ के लिए मिले थे, इस वर्ष 2515 करोड़ का बजट सिंहस्थ के लिए हमें प्राप्त हुआ है और इस बजट से बड़े पूरा बहुत ही व्यापक तरीके से सारी तैयारियां की जा रही हैं। 362 करोड़ की सड़कें यहां बनाई जा रही हैं, 177 करोड़ के ब्रिज बनाए जा रहे हैं और एक विशेष 63 करोड़ की लागत से यहाँ जो पंचक्रोशी मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, उसका उन्नयन किया जा रहा है। एक और यहाँ का बड़ा प्रोजेक्ट है खान डायवर्सन। खान नदी का जो पानी छिप्रा में आता था उसको मिलने से रोकने के लिए और छिप्रा की के शुद्धिकरण के लिए 19 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डाली जा रही है जिससे कि खान नदी को डाइवर्ट किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 90 करोड़ रुपए का है और जो छिप्रा का जल स्वच्छ मिल सके श्रद्धालुओं को स्नान के लिए, इसके लिए 2 जल शोधन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं जिनसे कि पानी शोधित होकर और छिप्रा नदी में मिलेगा। सारी व्यापक तैयारियों के बीच में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो। विशेष रूप से IT का प्रयोग इस बार इसमें बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। 125 पॉइंट्स छांटे गए हैं जहाँ पर 481 कैमरे लगाए गए हैं जो कि पूरी नज़र रखेंगे पूरे के पूरे सिंगल क्षेत्र पर। स्वच्छता पर जैसा कि बताया कि विशेष ध्यान इस बार दिया जा रहा है, 74 करोड़ की राशि केवल स्वच्छता पर ही इस बार खर्च की जा रही है। IT का प्रयोग इस बार निश्चित रूप से विशेष होगा। वेबसाइट बनी हुई है सिंगल्स की, मोबाइल ऐप है, एक इस बार एक नया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसके तहत एक जगह से पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग प्रभावी तरीके से GPS आदि का प्रयोग करके की जाएगी। इस बार सिंगल्स में लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है जिसमें लगभग 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे और शाही स्नान के दिन विशेष रूप से श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा रहेगी। प्रमुख शाही स्नान में जहां 1 करोड़ श्रद्धालुओं को आने की संभावना है, वहीं जो 2 अन्य शाही स्नान होने हैं उसमें लगभग 70 से 75 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिस तरह से इसका पैमाना बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है सिंगल्स का, उसी हिसाब से हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक मीडिया प्लान तैयार किया गया है और कुल 59.61 करोड़ की कार्य योजना बनाई गई है जो कि सिंगल्स के दौरान लागू रहेगी। इसके अंतर्गत देश विदेश में व्यापक प्रचार प्रसार, सिंगल्स की ब्रांडिंग और सिंगल्स के दौरान हमारे यहाँ आने वाले मीडिया पर्सनल्स के लिए सारी व्यवस्थाएं इसमें की जा रही हैं और इसके लिए हमने 18 मीडिया सेंटर्स उज्जैन मेला क्षेत्र में बनाए हैं जिसमें 16 उप मीडिया केंद्र हैं जो कि हर सेक्टर में हैं और 2 वृहत मीडिया केंद्र हम लोग दत्ताखाड़ा और मंगलनाथ क्षेत्र में बना रहे हैं। तो इनमें पत्रकारों की कवरेज के लिए, उनके विजुअल ट्रांसफ़र, ऑडियो ट्रांसफ़र, न्यूज़ ट्रांसफ़र के लिए कवरेज के लिए और बाहर के मीडिया के रुकने, भोजन इत्यादि और निरंतर समस्त मीडिया पर्सनल के प्रेस ब्रीफिंग्स की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है।